हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फोकस सिविल वर्क। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आईपीएस फ्लोरिंग क्या होती है इस वीडियो में। और जहाँ तक मैं तो आपको इस वीडियो देखने के बाद आईपीएस फ्लोरिंग के बारे में आप जान जाओगे कि वो किस तरीके से दिखती है और कहाँ हम उसका यूज़ करते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें यूज़फुल होनी चाहिए इस आईपीएस फ्लोरिंग के बारे में, और कराते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। और एक आईपीएस फ्लोरिंग को अगर जानना है तो हमें ये पता तो होना बहुत ज़रूरी है कि आईपीएस फ्लोरिंग में क्या क्या यूज़ होता है, कितनी थिकनेस होती है, उस कितनी लेयर में होती है और कहाँ इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादातर यूज़ होती है जनरली। और उसको कराने से पहले हमें क्या क्या चीज़ हमें रखनी पड़ती है ध्यान में फ्लोरिंग में, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर की बात करूं या फिर अपर की फर्स्ट फ्लोर, वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन बजा दें, ठीक है दोस्तों। और जो मेरे भाई दोस्त अगर नई पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन बजा दें, और चैनल पर जाकर और भी बहुत सारी वीडियो जाके आप विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम चलते हैं हम अपनी वीडियो पर, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएस फ्लोरिंग होती क्या है, ठीक है, और कुछ फिर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल है, ठीक है, जो आईपीएस फ्लोरिंग के लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, आईपीएस फ्लोरिंग क्या है, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, मतलब ये सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग ही होती है एक। तो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग इस पैनल, और इसमें पैनल दिए जाते हैं ऑफ मिक्स जो होता है इसका वो 1:4:2:4 होता है, यानी कि हमारा जो होता है वो M15 का इसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है। फिनिश विद अ फ्लोटिंग कोट ऑफ नेट सीमेंट इंक्लूडिंग सीमेंट स्लरी, मतलब एक तो ये सीमेंट कंक्रीट की बनी होती है, ठीक है, और इसमें भी जो होता है मिक्स वो हम उसमें 1:4 करते हैं, ठीक है, जो बॉटम लेयर होती है उसकी, ठीक है, और जो फिनिशिंग कोट करते हैं ऊपर नेट क्लीनिंग, वो सीमेंट स्लरी मतलब प्योर सीमेंट होता है, वो स्लरी बनाई जाती है उसकी, उससे हम नेट क्लीनिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने जो जैसे कि आप इस वीडियो में पिक्चर में देख रहे हैं कि जैसे कि आपको ये जो उसमें आप दिख रहा है ना, ये पैनल टाइप का बना हुआ है, तो और ये इसी को हम आईपीएस फ्लोरिंग कहते हैं। और मैं आपको, और ये जो आप शीशा सा देख रहे हैं ये सब इसमें आपको देखना पड़ेगा, देख के बता सकते हो कि आईपीएस फ्लोरिंग है। अब सबसे पहले आपको ये इसमें पैनल बने हुए होते हैं और गिलास लगा हुआ होता है, शीशा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो और इसके बारे में और जानकारी यह है कि इसके भी बहुत सी सारी डिटेल हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, हमें इसमें कह सकते हैं ये सब मैंने हमने लिख रखा है, ठीक है। तो वो सब है, ये पहला तो हमने लिखा है ये कि प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 40 mm थिकनेस इन टू लेयर में होता है ये, ठीक है, जिसमें कि बॉटम लेयर हम 25 mm थिकनेस की रखते हैं और जिसका मिक्स होता है 1:4, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, विद 15 mm थिकनेस, यानी कि 15 mm टॉपिंग थिकनेस होती है इसकी, जो ऊपर की लेयर होती है उसमें जो हम रेशियो मिक्स करते हैं 1:2 करते हैं। अब 1:2 क्या है, 1 तो सीमेंट है और सेकंड क्या हमारा स्टोन एग्रीगेट। अब वो स्टोन एग्रीगेट का साइज क्या होता है, वो हमारा स्टोन एग्रीगेट 6 mm, वो 10 mm से कम ही होना चाहिए। अगर इनकेस अगर नहीं होती है वो, तो हम यूज़ करते हैं 1:4, यानी कि 1 हमारा हो गया सीमेंट और सेकंड 4 हो गया हमारा कोर सेंट, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो होता है हमारा ये स्प्रेड विद हेल्प ऑफ ट्रॉबल, ठीक है, और स्ट्रेट एज फिनिश स्मूथ विद कोट ऑफ नीट क्लीन, यानी कि जब उसको मिक्स करके उसको स्प्रेड कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ट्रॉबल या स्ट्रेट एज, यानी कि फंटी ट्रॉबल, जैसे कि आप देख रहे हैं फंटी की इमेज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तो ये ट्रॉबल होती है और स्ट्रेट एज होती है, इसकी हेल्प से हम उसको फिनिशिंग करते हैं, स्मूथ लेयर देते हैं और नीट क्लीन करते हैं, ठीक है बाद में। अब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो होती है ये कुछ दो तीन बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हमारा 25 mm थिकनेस की अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, ये फ्लोरिंग भी होती है दो थिकनेस की होती है, एक तो हमारी 25 mm की होती है जब हम जिसमें हम क्या करते हैं सिर्फ एक लेयर देते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 1 layer, इसमें सिर्फ 1 layer होती है, ठीक है, और इसमें हमारी 2 layer होती है, ठीक है, जनरली से हम थोड़े छोटे मोटे स्पेस पर देते हैं। अभी 2 layer पर होती है एक फर्क, और जब जिसमें हमारी 1 layer यानी कि 25 mm थिकनेस है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम 12 mm की या 12.5 लिखते हैं वैसे स्टैंडर्ड, लेकिन 12 mm एग्रीगेट की जो होती है वो मार्केट में 12 mm उसमें यूज़ करेंगे एग्रीगेट को, बाकी सब सेम रहेगा जो मिक्स है। अब हमारा 40 mm की थिकनेस आती है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम 20 mm के एग्रीगेट यूज़ करेंगे डाउन पोर्शन वाले में, ठीक है।
अब गिलास स्टीप साइज, जो गिलास जो लगाते हैं, गिलास लगाते हैं ना बीच में पैनल को, मतलब पैनल प्रॉपर पैनल देने के लिए उसको, तो वो हम करते हैं 40 mm by 6 mm, यानी कि 40 mm चौड़ा और ठीक 6 mm मोटा, ठीक है। अब पैनल साइज क्या होता है हमारा, ठीक है दोस्तों, आपको इसमें वीडियो में दिखा सॉरी। तो हमारा जो गिलास साइज होता है, गिलास का साइज होता है, वो हमारा गिलास का साइज होता है 40 mm × 6 mm का, ठीक है। और पैनल का साइज क्या होता है, वो 2 meter by 2 meter का पैनल साइज होता है। और दोस्तों अब मैं इस वीडियो इसमें मैंने इतना नोट किया था कि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको मैं एक बात और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। पहले हमें क्या देखना ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर पर हो रही है फ्लोरिंग, तो पहले हम उसमें प्रॉपर सॉइल फिल करेंगे जितनी हमें रिक्वायर है, उसके बाद उसमें कंपैक्ट करेंगे, ठीक है, एंटी टर्माइट करेंगे उसमें, एंटी टर्माइट करने के बाद उसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। एंटी टर्माइट करने के बाद उसमें ध्यान रखना कि उसमें हमें 150 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर उसकी होल करके उसमें 12 mm से 12 mm या 16 mm के होल पास करके उसमें सरिये से उसमें एंटी टर्माइट डालेंगे, फिर 150 150 150 दूर 6 inch पे 1 1 फिट पे। और उसके बाद अगले दिन को हम उसमें फ्लोरिंग के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए उसमें कंपैक्ट करके फिर उसमें हम क्या करेंगे, बेस तैयार करेंगे उसका, अगर वो ग्राउंड फ्लोर पर हो रही है तो। बेस तैयार करने के बाद जब उसका बेस तैयार हो जाएगा तब उसमें हम ये सब प्रोसेस करेंगे। और उससे पहले हमें अगर लेबल ले लेना है, ठीक है, पैनल साइज करने के बाद सूत बांध के लेबल लो, वाटर लेबल से लेबल ले लो, क्योंकि पैनल का साइज तो स्लोप भी देना होता है, सब चीज़ देखना होता है, तो वो सब आपका एक मिस्त्री जो होगा वो आपको सब जानता होगा, लेकिन आपको उसे गाइड करना है, मेरा मतलब आपको बताना, और आपको अगर पता है तो बहुत अच्छा, और नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के बाद पता जरूर चल जाएगा, जिससे कि आप वहाँ पर काम होते हुए आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और यही चीज़ें जो मैं आपको आईपीएस फ्लोरिंग के बारे में बताने वाला था, जनरली ये कहाँ यूज़ होती है, जैसे कि हमारा रूम में भी ये होती है और लोबी में भी होती है, ठीक है, जहाँ हमारा मार्बल वगैरह यूज़ नहीं होते वहाँ होती है, ठीक है, और स्कूल में, स्कूल के कॉरिडोर में, क्लास वगैरह में, और होटल वगैरह में बहुत सी जगह होती है जहाँ ये हमें सिर्फ ना टाइल्स ना ही मार्बल देना होता, वहाँ हम इसे आईपीएस फ्लोरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों मेरे चैनल पर जाकर वीडियो विजिट करके वीडियो देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर से कहूँगा दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।